चरणों की, परमात्मा के चरणों का मैं अनुराग दिलाएगा, परमात्मा के चरणों का अनुराग दिलाएगा, भक्ति प्रदान करेगा। प्रभु जब भक्ति प्रदान करेगा तो साक्षात परमात्मा मिलेंगे, और जब परमात्मा मिलेंगे तो वहीं से अमृत प्रकट हुआ है तो क्यों ना। अरे जिनसे अमृत प्रकट हुआ है उन्हीं को मांगे, उन्हीं की भक्ति सुने। तुरंत मना कर दिया तो सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया जाकर के, और जाकर के कह दिया देवताओं से, अरे ठगियाओ, कौ कथा कौ सुभा लोगे कौ पाचा मेरे महान। अरे ठगियाओ, तुम बड़े ठगियाओ, कहां बहुमूल्य मणि और कहां एक कांच का टुकड़, और तुम जाकर के एक बहुमूल्यवान मणि से एक कांच की टुकड़े की तुलना करते हो, तो ये क्या है? भागवत रूपी अमृत बहुमूल्यवान मणि है, अमृत से भी बढ़कर है। यहाँ आज गोपियां अपने भावों में दर्शन प्रदर्शन करती हैं और कहती हैं, तब कथामृतम तत्र जीवनम। हे प्यारे, जो आपकी कथामृत को पान कर लेता है उसका जीवन इतना अपूमय बन जाता है कि उसे काल की गति कभी मार नहीं सकती, उसे काल की गति व्याप्त नहीं हो सकती, कभी हम मर नहीं सकती। इसलिए क्या करें प्रभु, तब कथामृतम तत्र जीवनम। आपका कथामृत जो पान कर लिया है, प्राणों को तो त्यागना चाहती है, लेकिन ये कथामृत ऐसा है कि प्राण को निकलने ही नहीं दे रहा। अच्छा, दूसरी चीज बड़े ही सुंदर तरीके से बताते हैं, श्रवण मंगलम श्री मदातम, अपने कानों के द्वारा जो आपकी मंगलमय कीर्ति को सुना, श्रवण मंगलम श्री मदातम, सारे मद और अहंकार बाहर निकल गए, श्री मदातम सारे मद और अहंकार निकल गए, यहाँ तक कि भूमि ग्रहणंती थे भूरी दाजना, भागवत भक्ति हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो गए। तो प्यारे क्या करना चाहिए, बड़े ही सुंदर तरीके से गाते हुए आज अपने भावों को प्रदर्शन करती हुई आखिरी 19वां श्लोक गाया। क्या गाया? यज्ञे सुजात चरणा गुरु हनुषु दधि महि कर्यसेषु पूर्वाभिर्भ्रमत दीनवदायुखान। सुंदर तरीके से श्लोकों की स्तुति करते हुए आज आखिरी चरण में कह दिया, प्यारे प्रभु ये मत समझना कि हमें अपने शरीर की चिंता है, अपने प्राणों की चिंता है ना, अपने प्राणों की चिंता नहीं है, चिंता है तो बस केवल आपकी, और वो चिंता क्या है प्रभु, ऐसा है